immediately pointing toward. I'm not wearing a follower board. Pop my head open like a core. Pop his head open like a core? सो हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह, मिस्टर वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल गेमिंग और आई होप लोग अच्छे होंगे, आपकी गेमिंग अच्छी चल रही होगी, मैं भी अच्छा, मेरी भी गेमिंग अच्छी चल रही है। तो बात करते हैं आज हमारे नए करेक्टर के रिगार्डिंग, जोसेफ के रिव्यू के रिगार्डिंग। तो यार आपको पता है थोड़ा सा लेट रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी सारी चैनल्स ने पहले रिव्यू दे दोगा, अदर यूट्यूबर्स ने पहले दे दोगा, बट यार मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को आप एक दिन के अंदर जज नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ को कंपेयर करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके साथ खेलने में कि आप पहले दिन आए और आपने पहले दिन रिव्यू दे दिया। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा नासमझी होगी, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ आपको खुद भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि यार कितना अच्छा करेक्टर है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग 2 से 3 दिन टेस्टिंग पर लगा दिए हैं और मेरे को अब पता चल गया कि भाई असल में कितना ज़्यादा काम का करेक्टर है, कितना ज़्यादा बेकार है। तो यार सबसे पहली बात तो यह है कि जोसेफ करेक्टर की एबिलिटी क्या है। तो एबिलिटी यह है कि जब इसको डैमेज पहुंचता है तो ये अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देता है अप टू 16%। जब इसके लेवल अपग्रेड हो जाता है पूरा तो अप टू 16% ये बढ़ा देता है पूरे 1 सेकंड के लिए। और 1 सेकंड का मतलब आपकी पलक झपक, मतलब आप समझ लो कितना 1 सेकंड होता है यार, 1 सेकंड का मतलब कितना होता है। तो 1 सेकंड के लिए बढ़ा देता है अपनी मूवमेंट स्पीड, जिससे आप थोड़ा सा चकमा दे सकते हो अपने एनिमीज को। अब यार बात कर रहे हैं तो यार असल में इसकी जो एबिलिटी है उसका नाम है नटी मूवमेंट, और थोड़ा सा अजीब सा नाम है नटी मूवमेंट। मेरे से शायद नटी वर्ड ढंग से पढ़ा ना जा रहा हो या फिर नटी है ये वर्ड, तो नटी मूवमेंट इसका एबिलिटी का नाम है और ये थोड़ी सी अलग एबिलिटी है। और यार इसकी एबिलिटी असल में बताऊं तो ये एबिलिटी इस तरह की एबिलिटी है यार जिसमें ना आप थोड़ा सा चकमा दे ही सकते हो यार, ये एबिलिटी खराब नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने बहुत बार टेस्ट किया कि एनिमी जब मुझे मार रहा होता है ना तो मैं अचानक से कुछ ऐसा, एक ऐसा टाइम आता है जब मैं उसके सामने, उसे ऐसा लगता है कि मैं अचानक से गायब हो गया। मैंने देखा है मेरे सामने, मैंने जब इसके ओपोनेंट में खेला और जब एनिमी को मैं फायर कर रहा था, और मेरे ख्याल से उसका अच्छा खासा 4 या 5 लेवल का होगा उसका भी, मतलब उसका भी लेवल अच्छा था, उसके जो भी उसका जोसेफ वो के साथ खेल रहा था बंदा, तो उसने अचानक से मुझे एक बार ऐसा चकमा दिया कि वो बंदा, मेरे को लगा एक बार के लिए कि ये गायब हो गया बंदा। मतलब मूवमेंट स्पीड असल में इंक्रीज़ होती है भाई, मतलब आपको लगता नहीं है बट ऐसा होता है भाई यहाँ पे कि सामने वाले बंदे की मूवमेंट स्पीड अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है और इतनी जल्दी मूवमेंट होती है या फिर वो इतनी जल्दी फायर कर देता है कि कुछ गोलियाँ उसकी इतनी ज़्यादा तेज जाके लगती हैं कि पता नहीं चलता कि हमको क्या हो गया कब। और ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे होंगे यार ये बेकार करेक्टर है, ये है वो है, वो कैली से कंपेयर कर रहे हैं, कैली से हम भी कंपेयर करेंगे इस वीडियो में, वो भी लास्ट में। बट यार अभी बात करें तो जोसेफ अच्छा करेक्टर है, अगर आपको एक अच्छा मूवमेंट चाहिए, अगर आपको एक अचानक से बूस्ट देना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। अब यार आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि भाई यहाँ पे इस कैरेक्टर के साथ कौन से एबिलिटीज़ का यूज़ करें, कौन से अदर कैरेक्टर्स का यूज़ करें जिससे हमारी इस कैरेक्टर की एबिलिटी और निखर करके आए और अच्छी बन जाए। तो यार कुछ कैरेक्टर्स के मैं सजेशन देना चाहूँगा जिसकी एबिलिटीज़ आप इनके साथ यूज़ कर सकते हो, अगर आप जोसेफ कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हो या फिर आप जोसेफ कैरेक्टर को भी साथ में यूज़ करना चाहते हो तो कौन से अदर कैरेक्टर्स की एबिलिटी यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं यूज़ करना चाहूँगा हयाटो। तो आपको पता होगा हयाटो की एबिलिटी यही है, जब उसका डैमेज पहुँचता है तो वो भी अपना डैमेज बढ़ा देता है। तो यार इस कैरेक्टर का भी सेम वही सीन है कि जब इसको डैमेज पहुँचेगा, एक कंडीशन में के सामने क्रिएट कर रहा हूं, एक सिचुएशन मान लो आप जा रहे हो और पीछे से एक बंदे ने आपको, एनिमी ने आपको आके फायर करा शॉटगन से, आपको डैमेज पहुंचा और डैमेज पहुंचने के बाद हयाटो की एबिलिटी अचानक से एक्टिव हो जाएगी और साथ में आपकी जोसेफ की भी, तो उसके बाद जो हमला करोगे ना, उसके बाद जो मूवमेंट स्पीड के साथ जो आप हमला करोगे वो गदर देखने का होगा, हमला बहुत खतरनाक होगा। तो इसीलिए आप हयाटो का यूज कर लेना, आप ये सिचुएशन खुद दिमाग में सोचो कि यार कैसी सिचुएशन होगी जब बंदा पीछे से एनिमी फायर कर रहा होगा, अचानक से आपकी मूवमेंट स्पीड के साथ साथ आपका डैमेज बढ़ जाए तो गजब अलग ही सीन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कैरोलिन। कैरोलिन के साथ इसलिए सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि यार कैरोलिन के साथ क्या होता है कि जब आप शॉटगन यूज़ करते हो तो आपकी थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड बढ़ा देती है कैरोलिन 5%। तो यहाँ पे भी सेम यही सीन है कि यार जब आप इसका यूज़ करोगे तो मान लो आप शॉटगन यूज़ कर रहे हो और सामने वाले बंदे ने आपको फायर करा MP40 बुलेट या किसी भी वेपन से बुलेट फायर करी और आप पे डैमेज पहुंचा और अचानक से आपकी जो मूवमेंट स्पीड थी वो तो इंक्रीज़ हो ही गई, 1 सेकंड के लिए इंक्रीज़ हो ही गई, बट साथ में आपकी शॉटगन के साथ जो मूवमेंट स्पीड है वो भी खतरनाक होगी। तो सोचो कि भाई आप कितनी तगड़ी तबाही मचा सकते हो यहाँ पे आप अपनी कैरोलिन लेकर के। तो यहाँ पे कैरोलिन के साथ भी इसका एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके बाद जो अगला जो कॉम्बिनेशन मैं बताना चाहूँगा वो है हमारा निकिता के साथ। निकिता के साथ आपको पता है सब मशीन गन बहुत जल्दी रिलोड करती है और MP40 यूजर्स के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आप जोसेफ के साथ निकिता
निकिता यूज करते हो, बाकी कैली भी यूज कर सकते हो, बट कैली के बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी आपको बताना चाहूंगा जैसे कि निकिता के साथ क्या होगा कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई आपके सामने कि जहां पे निकिता है आपके पास और साथ में आपने जोसेफ इक्यूब कर रखा, साथ में किसी अदर कैरेक्टर की एबिलिटी यूज कर रखी, तीन कैरेक्टर की तीन कैरेक्टर स्लॉट हैं, आपने तीनों के तीनों यूज कर रखे। अब ऐसा हुआ कि सामने वाले बंदे ने यार आपको शॉटगन या MP40 किसी भी वेपन से आपके फायर करा और वो आपको जाकर के आपको उसको मारना है, तो निकिता के साथ जैसे मान लो आपने एक राउंड फायर भी कर दिया, मतलब एक बार आपने उस पर फायर भी कर दिया, तो इतनी जल्दी मूवमेंट स्पीड के साथ आप दूसरा रिलोड करके दूसरा भी फायर कर दोगे। मतलब यहाँ पे आपकी ओवरऑल देखे तो निकिता के साथ बहुत तबाही वाला सिस्टम हो सकता है। एक बार आप खुद सोच के देखो यार निकिता के साथ कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन मैं बताना चाहूंगा वो बताऊंगा यार कैली के साथ। कैली के साथ इसका बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि कैली की जो एबिलिटी रहती है वो एंटायर मैच रहती है, मतलब पूरे मैच के अंदर रहती है मूवमेंट स्पीड की, तो उसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो पूरे मैच में रहेगी बड़ी हुई, तो अदर एज कंपेयर टू अदर प्लेयर। और मान लो यार इसी बीच में आप जोसेफ भी यूज कर रहे हो, तो मान लो सामने वाले बंदे ने जैसे ही आप पे अटैक किया, भाई कैली की एबिलिटी के साथ साथ आपके पास जोसेफ की भी एबिलिटी है, पहले तो आप पहले से ही फास्ट थे और इसके बाद डैमेज पहुंचने के बाद आप और फास्ट हो गए हो, तो सोच लो भाई आप कितना तगड़ा चकमा दे सकते हो या फिर टैकल कर सकते हो। मैंने जोसेफ को जहां तक यूज किया वो तो टैकल करने के लिए यूज किया, क्योंकि यहां पर टैकल करने में ज्यादा मजा आ रहा था यहां पर बच बच के खेलने में, क्योंकि जब जोसेफ का यूज करो तो भाई गजब मजा आता। मैंने जो शायद VSS चैलेंज करा था वो शायद जोसेफ के साथ ही करा था, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, बट इसके साथ टैकल करने में बहुत मजा आता है जोसेफ के साथ, तो आप ये भी यूज कर सकते हो कैली। बाकी अदर कैरेक्टर्स की भी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, बट ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर हैं जो मुझे पसंद आए। बाकी आप मीशा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, अगर आप मीशा का यूज़ करते हो तो ये इसके साथ भी यूज़ कर सकते हो मीशा के साथ, बट मीशा के साथ मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है हमारा ये जोसेफ। तो ये था सारा कुछ कॉम्बिनेशंस और ओवरऑल रिव्यू। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे कैली के साथ कंपेयर करना, तो कैली के साथ कंपेयर करना यार कहीं तो कहीं मतलब अनफेयर होगा। मतलब एक कैरेक्टर जिसके एंटायर मैच में एबिलिटी रहती है वो एंटायर मैच खेलता है और एंटायर मैच में उसके पूरे पूरे मैच के अंदर उसकी जो स्पीड वो इंक्रीज रहती है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर, और एक ऐसा कैरेक्टर यार जो पूरे मैच में सुस्त रहता है बट अचानक से उसमें डैमेज पहुंचता है तो वो तंदुरुस्त हो जाता है, तो ये चीज कहने की बात नहीं होगी यार कंपेयर करना बहुत गलत होगा क्योंकि बहुत अलग अलग एबिलिटी है। बट अगर आपको चूज करने को मिले यार, मैं अगर बोलूं तो चूज करने के लिए तो मैं कैली की एबिलिटी को ऑफकोर्स यूज करूंगा यार, क्योंकि एक पूरे मैच में मुझे एक एबिलिटी पूरे एंटायर मैच में मिली है, मुझे मूवमेंट स्पीड पूरे मैच के अंदर मिल रही है, और एक ऐसा प्लेयर जिसको डैमेज पहुंच रहा है वो भी मात्र एक सेकंड के लिए वो अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बेकार होगा अगर आप कैली के साथ कैली से कंपेयर करते हो। बट अगर आप कैली से कंपेयर ना करो और इसकी एक बार नॉर्मल एबिलिटीज की ध्यान दो, एक बार नॉर्मल एबिलिटीज की तरफ को ध्यान दो, वहां पे देखो तो यार वहां पे बहुत बढ़िया कैरेक्टर हो सकता है ये आपके लिए। बट कैली से कंपेयर करने के बाद तो ऑफकोर्स कैली इज क्वीन, तो भाई वहां पे आप कैली से आप इसको बीट नहीं करवा सकते, कुछ भी कर लो भाई कैली से अच्छा कैरेक्टर नहीं बन सकता है। हाँ मैं मान सकता हूँ इन फ्यूचर अगर इसकी एबिलिटीज को थोड़ा सा सुधार किया गया, जैसे कि आपको पता है बीच बीच में कैरेक्टर्स की एबिलिटी में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस करता रहता है, तो अगर इसका जो टाइमिंग है 1 सेकंड से बढ़ा करके 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड कर दिया गया तो वहां पे ये तबाही ढा सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत तगड़ा काम करेगा। फिर तो ऑफकोर्स सी बात है मैं जोसेफ को ही चूज करूंगा, बट 1 सेकंड की एबिलिटी के लिए मैं ऑफकोर्स सी बात है यार जोसेफ को कभी भी चूज नहीं करूंगा। आप भी इतने समझदार होंगे कि आप 1 सेकंड के लिए क्यों दोगे यार 1 सेकंड के लिए, जब आपको पूरे मैच के लिए साथ मिल रहा है, पूरे मैच का भरोसा मिल रहा है, वहां आप 1 मिनट 1 सेकंड के लिए आप, मतलब मैं नहीं समझ सकता कि कोई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसकी कैबिलिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आज की मुझे पक्का बताना कमेंट करके यार आपको कैसी लगी, साथ में यार इस वीडियो को शेयर कर देना जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा टाइम लिया मैंने बट पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शायद अदर यूट्यूबर्स ने इतने ज़्यादा केयरफुली मेरे ख्याल से बताया हुआ ना बताया मुझे तो नहीं पता, बट मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के और टाइम दे करके यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो यार इसके लिए इतना बनता ही है कि यार जब इतना भाई तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम भी एक काम कर सकते हो कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक करें बिना मत जाना, 2000 लाइक्स का एम रखना चाहूंगा, ज्यादा लाइक्स का एम है मैं मानता हूं, बट यार मैंने मेहनत भी बहुत करी है तब जाके, और साथ में यार शेयर कर ही देना अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में जहां भी आप शेयर करना चाहो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय टाटा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you